भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था? किसने? वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। क्यों कहा? क्योंकि पत्रकारिता के कारण ये बाल गंगाधर तिलक क्या करते थे, ब्रिटिश के खिलाफ बोलते थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोलते थे, इसलिए भारतीय अशांति का जन्मदाता, इंडियन अनरेस्ट, किसको कहा? बाल गंगाधर तिलक। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी बुक है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। मुझे बताइए आप, महात्मा गांधी जी किस बुक से सबसे ज्यादा प्रभावित थे? अनटू दिस लॉस, है ना? सभी अपनी कॉपी खोल के रखेंगे, देख के बताइए, लेकिन बोलना जरूर है, कम से कम इस बहाने एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। क्लियर? महात्मा गांधी के तीन आंदोलन जो आपको क्रम से बताना है, सबसे पहले भारत में बताना है ना, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1907। ये भारत के किस राज्य में था? बिहार। देन इसके बाद कौन सा एक मूवमेंट हुआ? अहमदाबाद 1980। देन इसके बाद कौन सा हुआ? खेड़ा आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन एंड खेड़ा आंदोलन बोथ आर कहां पर? गुजरात। ठीक, दोनों गुजरात की भूमि पर थे, और एक था चंपारण, ये कहां पर था? बिहार। क्लियर है यहां तक? देन हमने देखे थे कि इससे इसके बाद में एक रोलेट एक्ट आता है, सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में हमने कल रोलेट एक्ट को समझने का प्रयास किए थे, और ये जो रोलेट एक्ट है इसे क्या बोला गया था? काला कानून, ब्लैक लॉ कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि इसमें बिना किसी, ठीक, कुछ समझ में आया किसी को? बिना किसी कारण यहां पे व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता था, इसी को बोला गया विदाउट लॉयर, विदाउट अपील एंड विदाउट आर्गुमेंट लॉ, है ना? बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, ये कानून कहा गया किसको? रोलेट एक्ट को। क्लियर? देन हमने इसके बाद एक देखे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग नरसंहार देखे थे, और ये इसमें क्या भूमिका थी? पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, दो, सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दो नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था बिना किसी रीजन के, है ना? तो जलियांवाला बाग वाले प्लेस पर एक सभा चल रही थी, उस सभा में 20,000 लोग इकट्ठा हुए थे, यहां पे जनरल डायर उस समय पंजाब में नियुक्त थे, पंजाब में उन्होंने ऑर्डर एक रिलीज किया कि उस भीड़ पर आपको गोली चलाना, और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उसमें डायरेक्टली जनरल डायर के आदेश पर गोलियों की बौछार की गई, जिसमें काफी सारे लोग मारे गए। इसके एवज में जांच इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई गई, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मामले पर पूरी लीपापोती करी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जनरल डायर को गलत नहीं ठहरा सकती, है ना, क्योंकि अपना ही बंदा है वो। और यहां पे ब्रिटिशर्स ने एक कमेटी नियुक्त की जिसका नाम क्या था? हंटर कमेटी। और यहीं पर कांग्रेस, जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रमुख प्लेटफॉर्म का काम कर रहा था देश की भावनाओं को उजागर करने का, कांग्रेस ने एक कमेटी की घोषणा की, वो कमेटी का नाम तहकीकात कमेटी। हमने यहीं पे देखे 1920 से लेकर 1924 तक एक आंदोलन और चला जिसमें महात्मा गांधी ने भूमिका निभाई थी, खिलाफत मूवमेंट, है ना, खिलाफत आंदोलन। इस खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूमिका निभाई, जिसमें क्या हुआ कि यहां के भारत के मुस्लिम लोगों के साथ में महात्मा गांधी आगे आए, और कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का कद धीरे 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 बढ़ने लगा। ठीक, फिर यहां से एक मूवमेंट और चालू होता है, 1st of August 1920, जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है,
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है यहां से 1 अगस्त 1920 से, ठीक, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट। अब देखिए ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है क्या, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी जी की ऐसी राय थी कि हमको क्या करना है, ब्रिटिशर्स लोगों को किसी भी मामले में कोई भी सहयोग करना ही नहीं है, असहयोग मतलब कोई भी सहयोग नहीं देना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगर आप ब्रिटिशर्स लोगों को, उनके अधिकारी वर्गों को किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं देते हैं, तो मैं ऐसा यकीन दिलाता हूं, महात्मा गांधी बोल रहे हैं सर, ठीक, कि 1 वर्ष में आपको स्वराज प्राप्त हो जाएगा, बस हमको क्या करना है, सारे भारतवासियों को मिलकर 1 वर्ष तक ब्रिटिशर्स का बहिष्कार करना है, बॉयकॉट करना है, किसका, ब्रिटिशर्स का, और वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो कैसा भी हो, बस बायकॉट होना चाहिए। आप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए, विदेशी कपड़ों की आप होली जलाइए, है ना, जितना भी विदेशी प्रोडक्ट है उसका पूर्ण रूप से क्या करना है, आपको बहिष्कार करना है। और अगर ये बहिष्कार कंटिन्यूअसली जारी रहा तो आप देखते हैं कि 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त हो जाएगा, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा। और नो डाउट यहां पे जब 1 अगस्त 1920 से आंदोलन जैसी चालू हुआ तो ये काफी सफलतम आंदोलन रहा भी, हालांकि इसी में अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जिस दिन से असहयोग आंदोलन चालू होना था उसी दिन से कांग्रेस के एक बड़े नेता, उसी दिन कांग्रेस के एक बड़े नेता, उनका निधन हो गया, और वो थे बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक कौन से दल के नेता थे, गरम दल, है ना, उग्रवादी चरण इनको बोला जाता है, उग्रवादी चरण में महत्वपूर्ण भूमिका बाल गंगाधर तिलक की थी। बाल गंगाधर तिलक का उसी दिन निधन हुआ और इस आंदोलन का उल्लास और बाल गंगाधर तिलक के निधन का शोक दोनों आंदोलन में एक साथ चालू हुआ, ठीक। असहयोग आंदोलन में सबसे सफलतम भूमिका रही तो वो था बायकॉट करना, विदेशी सामग्री का बायकॉट करना। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा पहले भी कि विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, सामानों की घर घर से सामान निकाल के महात्मा गांधी जी के आह्वान पर कपड़ों की होली जलाई गई, विदेशी सामान की होली जलाई गई, बिल्कुल आग लगा दिया गया, है ना। हालांकि इससे नुकसान है, एक बात बता दूं मैं आपको, विरोध प्रदर्शन तो हो रहा है लेकिन यहां पे एक चीज का नुकसान भी है। एक बात बताइए आप, इससे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा ब्रिटिशर्स लोगों को, उसका रीजन आप सोच के देखिए। आपने एक कपड़ा खरीद लिए, अगर वो विदेशी प्रोडक्ट है, कपड़ा खरीदे या टीवी खरीदे, आपने खरीद के लाया मार्केट से, अब वो किसका हो गया, आपका हुआ, और ब्रिटिशर्स लोगों को उनका पैसा मिल गया, मतलब वो मार्केट से बिक गया, वो पैसा तो आपका गया। अब अगर आप उसको जला भी देते हो तो नुकसान किसका है भाई। कोशिश आपको ये करना चाहिए कि अब आगे से आप वो प्रोडक्ट ना खरीदो, क्लियर। तो ब्रिटिशर्स लोगों को कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा नहीं, होली जला रहे जलाने दो, उन्हीं का सामान जा रहा, जो सामान जल रहा है वो ऑलरेडी बिक चुका है, और वो बिक चुका है इसका मतलब वो आपका है, अब आप अपना नुकसान कर रहे। बहिष्कार करना था तो बहिष्कार हुआ, आगे दूसरे तरीके से हुआ, जैसे उनके स्कूलों में नहीं जाना, ये अच्छा बहिष्कार है, उनके तमाम संस्थानों में नहीं जाना, ये अच्छी चीज है। जितनी ब्रिटिशर्स लोगों ने उपाधि दी है भारतीय लोगों को, उन उपाधियों को नकार दिया, उन उपाधियों को वापस लौटा दिया, महात्मा गांधी ने भी उन उपाधि लौटा दी, तो ये अच्छा काम है। उनके जितने भी संस्थानों में हमारे लोग नियुक्त थे वहां से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, ये बहिष्कार का अच्छा रूप था, है ना। तो ऐसे तमाम रूप यहाँ पे देखने को मिले जब ये बहिष्कार अपने चरम पर था और असहयोग आंदोलन लगभग लगभग काफी सफल जा रहा था। लेकिन इस बीच अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी घटना हुई जहां पर महात्मा गांधी जी को इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा, और वो घटना का नाम है चौरी चौरा कांड। क्या नाम सुना है आपने पहले? ये यहां पे क्या होता है, किसानों की एक उग्र भीड़ के ऊपर, सबसे पहले तो क्रिया की प्रतिक्रिया होंगी, किसानों की भीड़ के ऊपर पुलिस वालों ने गोली चलाया,
तो किसानों की भीड़ ने क्या किया, उस पूरे पुलिस थाने को ही, यूपी के गोरखपुर में चौरा चोरी एक प्लेस था, यहां पे किसानों की भीड़ ने क्या किया, एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 के आसपास पुलिस वाले और कैदी सारे लोग जल गए और जल के मर गए। ये एक घटना थी और इस घटना का प्रभाव महात्मा गांधी जी पर ऐसा पड़ा, ये 5th of Feb की बात है, 1922 की बात है, और यहाँ पे गांधी जी ने कुछ समय के पश्चात ही, तुरंत कुछ दिनों के पश्चात तुरंत इस आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। असहयोग आंदोलन जो अपने चरम पर चल रहा था, जो शिखर पर चल रहा था, जिससे अंग्रेज लोगों की भी बोलती बंद थी, अंग्रेज लोग भी इससे प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि इस दौरान काफी कुछ हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी हिंदुस्तान में, अपने अपने मतलब यहाँ के लोगों ने अलग अलग काशी विद्यापीठ की स्थापना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हालांकि पहले से चल रहा था लेकिन इसी दौरान ज्यादा हाईलाइटेड हुए वो, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे संस्थानों की स्थापना हो चुकी थी। हुआ क्या, जैसी ये घटना हुई, और ये घटना शुद्ध रूप से कैसी थी, हिंसक। और आपको ऑलरेडी पता है महात्मा गांधी जी का आंदोलन कैसा था, अहिंसक। महात्मा गांधी चाहते थे कि सारा का सारा आंदोलन अहिंसक रूप से रहे, और जैसी ये हुआ तो महात्मा गांधी जी ने तुरंत आंदोलन को बंद करने की घोषणा कर दी। जबकि कांग्रेस के बड़े नेता ने गांधी जी का भी विरोध किया कि ऐसे समय में आप आंदोलन बंद कर रहे हो जब आंदोलन अपने चरम पर चल रहा है, और ऐसे समय में इस आंदोलन को बंद करना अपने पेड़ पे कुल्हाड़ी मारना है, क्योंकि आप सोचिए एंड पे जाके हम आंदोलन को बंद कर रहे हैं जब आंदोलन अपने शिखर पे, और यहां पे कोई चीजों को वापस लेना बड़ा